नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे नर्सिंग में करियर कैसे बनाया जाए, कितने कोर्स होते हैं नर्सिंग में जाने के लिए, उनमें एंट्री लेने का तरीका क्या है, नर्सिंग में करियर अगर हम चूज़ करते हैं तो कितना फ्यूचर है हमारा, सैलरी क्या हो सकती है और इन कोर्सेज़ की फ़ीस क्या होगी, और जितने भी एंट्री लेने के तरीके हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और उसकी तैयारी कैसे की जाती है, तो ये सब जानकारी आज मैं आपको दूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें, नर्सिंग अगर शुरुआत करनी है तो इसकी शुरुआत 12वीं क्लास के बाद की जा सकती है। जनरली नर्सिंग करने के 3 कोर्स होते हैं स्टार्टिंग में आफ्टर 12th। पहला है ANM, GNM, BSc नर्सिंग। ये अगर ANM की बात करें, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, तो ये 12th क्लास के बाद कर सकते हैं और कोई भी बच्चा कर सकता है, साइंस स्ट्रीम और दूसरी किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो सकता है। साइंस स्ट्रीम यहाँ मस्ट नहीं है, लेकिन ये एक डिप्लोमा कोर्स है और केवल इसे फीमेल के लिए होता है, ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। मैं इस कोर्स को प्रेफर नहीं करता। ये कोर्स तभी आप कर सकते हैं जब मजबूरी है, आपके पास इतनी सोर्सेस नहीं है, आप इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, तब इस कोर्स में जा सकते हैं। इस कोर्स का प्रोफाइल, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो जैसे टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होती है, तो उसमें जो गर्ल्स या नर्स का आप कह सकते हैं वो, या रख रखाव किसी लेबोरेटरी का या किसी हॉस्पिटल का, उन सब के लिए है। तो सैलरी भी कम ही है, 10-12 हज़ार से लेके 20-25-30 हज़ार तक, तो इस कोर्स को मैं प्रेफर नहीं करता। दूसरा कोर्स है GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, लगभग 2.5 से 3 साल का होता है। और इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं आप, और इसमें साइंस स्ट्रीम की ज़रूरत है, PCB से ही पास होना चाहिए बच्चा, लेकिन इसे मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते थे। इसके बाद, मतलब इस कोर्स की खास बात बताऊं कि इस कोर्स को अब बंद किया जा रहा है धीरे धीरे, तो इसको भी मैं कहूंगा कि आप, मेरी तरफ से मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। आज जो ये वीडियो बनेगी ये BSc नर्सिंग के ऊपर है, जो डिग्री कोर्स है और मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें करियर बनाना है अगर आपको नर्सिंग में, तो सबसे बेस्ट कोर्स यही है। यह बात करते हैं कि BSc नर्सिंग ही क्यों। तो BSc नर्सिंग एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से BSc नर्सिंग कर लेते हैं तो जॉब सिक्योर है और अच्छी ग्रोथ है, लगभग 20,000 स्टार्टिंग से लेके आप 1 लाख प्लस तक आप पर मंथ की सैलरी पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना डिसिप्लिन है अपनी जॉब को लेके, और आप कितने अच्छे कॉलेज से पास किया आपने। अगर बात करें तो बेस्ट कॉलेज में आते हैं एम्स, जिसके लगभग 5-7 कॉलेज हैं, लगभग 600 सीट्स के आसपास हैं। फिर MNS, जो मिलिट्री के लिए, आर्मी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है MNS के ऊपर, बहुत अच्छा है और आप उसे देख सकते हैं, मैंने लिंक में डाल रखी है। जिपमर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज, CMC वेल्लोर एक प्राइवेट कॉलेज है, और बहुत सारे कॉलेज जैसे राम मनोहर लोहिया, तो पूरे इंडिया में ऑल ओवर कॉलेज, PGI चंडीगढ़, ऐसे बहुत अच्छे कॉलेज हैं जिनसे आप नर्सिंग कर सकते हैं। इसकी फीस वेरी करती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बताऊंगा, लगभग 1500 पर ईयर से लेके लगभग 10-15 हज़ार पर ईयर तक होती है कॉलेज फीस, हॉस्टल इसमें इंक्लूड नहीं है। सबसे कम फीस एम्स की होती है, उसके बाद MNS में तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो फीस की वजह आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ये दो तो बेस्ट हैं इस कोर्स के लिए, ये दोनों कॉलेज। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब मैं बहुत सारे कॉलेज के बारे में बताऊंगा आपको एक साथ, जिसमें एम्स, जिपमर, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज, RML, तो इन सब का ओवरऑल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए जिस साल आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, 12th पास हो या 12th अपियरिंग हो, PCB। लगभग हर कॉलेज में ये क्राइटेरिया है कि 50-45 मिनिमम परसेंट होने चाहिए, किसी कॉलेज में 55% है, किसी में 50%, और SC ST के लिए कुछ थोड़ा सा छूट है, जिसमें जैसे अगर 55% है जनरल के लिए तो 50% है ST के लिए, कुछ इस तरीके से अलग अलग कॉलेज की छूट है, जो आपको जैसे टाइम टू टाइम जब फॉर्म निकलते हैं तो मैं इस अपडेट देता रहूँगा, उसमें आपको ये सारी एलिजिबिलिटी बताता रहूँगा। ओवरऑल इसी बैंड में आते हैं सब, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जैसे DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं मेरिट बेस पे, लेकिन कुछ कॉलेज अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। जैसे मैं उन सब के मेन कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के, जैसे एम्स की बात करें
तो एम्स के एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके लेडी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का मैंने इतने सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। एम्स के पेपर में केवल चार आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके, 30-30-30 इन तीनों से क्वेश्चन होंगे, 10 जीके के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। जिपमर की बात करें तो जिपमर में 20 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे 20, बायो के 40 होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 10 और इंग्लिश के भी 10, टोटल 100 क्वेश्चन हुए इसमें। अब बात करते हैं लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज। लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज में पेपर का फॉर्मेट नहीं बताया जाता, जो बच्चा पेपर देता है वही बता सकता है। तो मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट से कंसर्न किया तो उनका आंसर अभी तक आया नहीं है, तो बता देता हूँ कि 3-4 सब्जेक्ट तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो होंगे ही, साथ में इंग्लिश का भी पेपर देना है जो उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में रखा होता है। टाइम टू टाइम मेरी एक वीडियो आ रही है जिसमें मैं, क्योंकि ये कोर्स कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो बच्चे मेडिकल की स्ट्रीम में जाते हैं कि पहले मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए, उतनी मेहनत नहीं हो पाई तो वो नर्सिंग के लिए चले जाते हैं। तो उनमें कहीं कुछ लोगों में, जैसा कि मुझे बच्चे बताते हैं कि कुछ में ये भावना रह जाती है कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम नर्स बन गए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता आज के टाइम में। आज के टाइम में नर्स को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है और वैसे भी एक नोवेल जॉब है। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैं अपने उन स्टूडेंट्स को जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं कॉलेज में और जो जॉब कोर्स करने के बाद जॉब कर रहे हैं, तो उनसे उनके जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की और जॉब में क्या चेंज आया, कितना वो सेटिस्फाई अपनी जॉब से, कितनी उन्हें सैलरी मिलती, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बनाई है। तो उस वीडियो को आप देखिए, 2-4 दिन बाद मैं उसको रिलीज करूँगा। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया कॉलेज की। इस कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन है 30-30, बायो के 60 है, इनके 15-15 क्वेश्चन है, टोटल 150 मार्क्स है। इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी स्टूडेंट ने दी है जो वहाँ पढ़ रही है। तो स्ट्रेटेजी, अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करें तो सीधा सीधा जो सिलेबस नीट का या किसी भी एग्ज़ाम का होता है, तो आप सीधे एनसीईआरटी पे आ जाइए, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 11-12 का सिलेबस पूरा कर लीजिए, वही आपके नर्सिंग का सिलेबस है। साथ में जो इंग्लिश और जीके और रीजनिंग है, इनमें इनका कोई सिलेबस नहीं हुआ करता। तो जीके के जनरल क्वेश्चन आप करंट अफेयर से कुछ तैयार कर लीजिए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सीधे कोई बुक खरीद लीजिए अरियन पब्लिकेशन और दिशा पब्लिकेशन की, जहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और अरियन जीके की इकट्ठी एक बुक आती है नर्सिंग के लिए, उसको परचेज कर लो। इंग्लिश के लिए सीधे रेन एंड मार्टिन बुक से आप कर लोगे तो उसी का जो उसमें दे रखा है वही सारा सिलेबस होता है। वो 10th क्लास की एक बुक होती है रेन एंड मार्टिन, ग्रामर की सबसे बेस्ट बुक है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सारा मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, सिलेबस बताया और बुक्स एनसीईआरटी, साथ में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर ले लो, डाउनलोड कर लो, नेट पे मिल जाएंगे, या आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है उससे क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या हो, एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ो तमीज़ से, अच्छे से समरी पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ो, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज सोल्व करो और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बनाओ कि मुझे 50 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करने हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए पर चैप्टर में, तीनों सब्जेक्ट में, तो आपकी कमांड हो जाएगी। बड़ा इजी पेपर होता है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं होता। बस इन कोर्सेज के लिए जानकारी की जरूरत होती है, कब ये फॉर्म निकल रहे हैं कब नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ही कोई भी फॉर्म निकलेगा, कोई नया चेंज आएगा किसी फॉर्मेट में, तो वो सब आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। गुड लक, जुड़ जाइए मेहनत में।